अवकलन के, अब जो है हम अवकलन के कुछ सूत्रों के ऊपर पर जरा सा अध्ययन कर लेते हैं इसमें, इसके बारे में, क्योंकि अब जो है इस 5.2 के बाद 5.4 में सब के सब सूत्रों का उपयोग होगा हमेशा। तो उसके हिसाब से हमने सबसे पहले तो परिभाषा देखी, क्या परिभाषा है इसकी, लिमिट, यदि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू या लिमिट टी टेंड्स टू एक्स एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन टी माइनस एक्स, या एफ डैश, दो परिभाषा है इसकी, या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। फिर देखिए ना, डी अपॉन डी एक्स एस की पावर एन बराबर एन एक्स एन, मतलब एस की पावर एन का विकलन क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, एक्स इज डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर बराबर टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स बराबर वन, डी अपॉन डी एक्स अचल, मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन हो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है जीरो, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली दी, डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एस का विकलन क्या होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स रूट एस का विकलन क्या होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग ई एक्स का विकलन वन अपॉन एक्स, डी अपॉन डी एस ए की पावर एस का विकलन ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई ए, डी अपॉन डी एस ई एस का विकलन ई की पावर एक्स इंटू लॉग ई ई, लेकिन लॉग ई की वैल्यू किसके बराबर होती है।